प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके पूरे साल के राशिफल की कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। अभी तक आपको वृश्चिक राशि तक की जानकारी दी है, आज हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि। धनु राशि वालों, जनवरी महीने के अंदर सूर्य आपके लग्न में विराजमान रहेगा। ये 15 जनवरी तक की स्थिति रहेगी, जिसके कारण आपको क्रोध बना रहेगा। लेकिन आपकी राशि का जो स्वामी है गुरु, ये आपके संतान भाव पर बैठा रहेगा। विद्या बुद्धि और बड़े लोगों के संपर्क के लिए आपका ये जनवरी का महीना काफी अच्छा है। जनवरी महीने के अंदर यह स्थिति रहेगी। जैसे ही फरवरी आएगा तो आपका केंद्र खाली हो जाता है, तो आपका फरवरी के महीने में थोड़ी फ्लक्चुएशन आएगी, उतार चढ़ाव आपको आएगा, लेकिन दिमाग और बुद्धि से आप कामयाब होंगे। और फरवरी के महीने में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो किसी महिला मित्र के माध्यम से, या अगर महिला है तो किसी पुरुष के माध्यम से आपकी वहां पर सेटलमेंट हो सकती है, वहां पर आप स्टेबल हो सकते हैं और आप विदेश में जाकर कोई कारोबार भी कर सकते हैं। जैसे ही आपके मार्च का महीना आएगा, मार्च के अंदर बुध नीच होकर के आपके सुख साधन पर बैठेंगे, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन आपके संतान बाप पर शुक्र और गुरु की युति आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है, और मार्च में जो आपके पेपर होंगे उन पेपरों के लिए आपका जबरदस्त अच्छा योग बना हुआ है। जैसे ही अप्रैल आएगी तो अप्रैल के अंदर नीच बुध और सूर्य की युति के कारण आपके चौथे भाव के अंदर थोड़ी तकलीफ का योग आ रहा है। यहां पर आपके मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा, शनि उच्च विराजमान है, आपको विदेशों से पैसा देते रहेंगे, वृश्चिक राहु बारह भाव में आपका स्वास्थ्य खराब करेगा। लेकिन मंगल आपके भाग्य स्थान पर, हिम्मत से आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं। आपके विवाह स्थान का स्वामी यहां पर नीच होकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब इस समय पर आप मैरिज ना करें इस महीने के अंदर तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आपके विवाह स्थान का स्वामी बुध ठीक हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मई का महीना आएगा, मई के महीने के अंदर सूर्य उच्च का हो जाएगा और ये आपके भाग्य से होकर के आपके एजुकेशन के स्थान पर, आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, MBBS IIT का, तो इसमें क्लियर होने के योग आपके बने हुए हैं। लेकिन यहां नीच बुध की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, और वृश्चिक राशि के अंदर राहु विराजमान जो आपको तंग करेंगे इसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे ही जून का महीना आएगा, जून के महीने के अंदर कालसर्प योग का प्रभाव बन जाएगा आपकी कुंडली के अंदर, जिसके कारण आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल आएगी। आपकी राशि का स्वामी वो आपके छठे भाव के अंदर भ्रमण करेगा, जो का आपके लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आएगी। शनि बकरी होकर के कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पर विष योग बनेगा, तो आप जून के महीने में कालसर्प योग की पूजा कराएं। और अगर इस वक्त के अंदर आपके घर के अंदर कोई मेहमान पैदा होता है, नया बच्चा आता है, तो उसकी तुरंत कालसर्प योग की पूजा करा लेनी चाहिए, तो इस नेगेटिव योग से बचा जा सकता है। जुलाई के महीने के अंदर आपके दो ग्रह बारम भाव में चलेंगे और आपके चार ग्रह की जो स्थिति है वो छठे भाव में चलती रहेगी। विवाह स्थान पर सूर्य आपकी शादी को तोड़ देंगे, राहु मंगल की युति आपके कर्म भाव पर आपकी जॉब के लिए नुकसानदायक हो जाएगी, तो यहां पर एक पार्श्विक योग बन रहा है, तो जून और जुलाई के महीने के अंदर आप पूजा जरूर कराइए। दर्शकों, जैसे ही सितंबर का महीना आएगा और अगस्त का महीना आएगा, अगस्त के महीने के अंदर आपके राशि के अंदर काफी सुधार आ रहा है, चंद्रमा आपकी राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, आपकी राशि का स्वामी जरूर एक बुरी जगह पर चल रहा है, यानी वो वृष के अंदर मूवमेंट करता रहेगा, यहां पर एक अच्छी स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। कालसर्प योग के प्रभाव से बचने के लिए आप इसकी पूजा भी करा सकते हैं। सूर्य आपका भाग्य शुक्र के अष्टम भाव में मूव करेगा, अच्छी स्थिति नहीं है। शनि और मंगल आपके कर्म भाव पर चलते रहेंगे, जो आपकी जॉब के लिए अच्छे नहीं है, आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे। अगर आपके हाथ में जॉब आ चुकी है फिर भी कहीं ना किसी कारण बस ये रुक सकती है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप पांच पापी ग्रहों की पूजा करा लें, जिससे कि आपके कोई काम में रुकावट ना आए। सितंबर के महीने के अंदर शनि दोबारा से बकरी होकर के आपके ग्यारहवें भाव में दोबारा विदेश स्थान पर जा रहे हैं,
तो 2-3 महीने जो आपके रहे ये अपने देश में बिताने के लिए रहेंगे, उसके बाद आप फिर बाहर विदेश में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें विदेश में झगड़ा फसाद ना करें, नहीं तो आप वहां पुलिस केस के अंदर कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि कालसर पीओ की प्रभाव आपके ऊपर आंशिक बना रहेगा। अक्टूबर के महीने में मंगल और राहु का अंगारक योग, मंगल यहां पर शनि को छोड़ करके राहु के साथ युति करेगा, राहु और मंगल की युति दुर्घटनाकारक हो जाती है। अगर आप जेल के अंदर हैं तो आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली, आपकी जमानत नहीं हो पाएगी। अगर आप इस समय कोई बॉस के साथ तनाव पैदा कर लेते तो आप अंदर जा सकते हैं। सजा का योग बना हुआ है इस समय पर। गुरु केतु शुक्र दोनों शुभ ग्रह आपके ग्रहण के अंदर फंसे हुए हैं, तो यहां आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कालसर्पियो का प्रभाव आपको फिर नवंबर में देखने को मिलेगा। अगर बच्चे कोई पैदा होते तो समय इसकी पूजा जरूर करा लें, और दिसंबर के अंदर की जो स्थिति कालसर्पियो से यहां पर निजात मिल जाएगी। और राहु गुरु का चांडाल योग फिर दोबारा से यहां पर एक बन रहा है, तो यह ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करके यहां पर आपको थोड़ी तकलीफ दे रहे हैं। इसे दर्शकों ये था आपके पूरे साल का धनु राशि का राशिफल। आप जानना चाहते हैं या पूरे साल का बनवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में क्लासें 1 जनवरी 2012 से शुरू हो रही हैं। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है, आप इसको भी सीख सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में मकर राशि की स्थिति लेकर के फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 9 जनवरी दिल्ली व नोएडा, 10 कोटा, 11 सूरत, 12 पूना, 13 गोवा, 14, 15, 16, 17, 18 मुंबई, 19 भोपाल, 20 जबलपुर, 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 09212296090, 09212860। प्रिय दर्शकों आप सबके लिए खुशखबरी, हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसकी क्लासें 1 जनवरी 2012 से प्रारंभ होंगी। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811114156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 9814630818। प्रिय दर्शकों अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा ईमेल एड्रेस है hsrawat_astro@yahoo.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 0222670793।